आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी और मेरे साथ हैं ये सितारे और 26 जनवरी स्पेशल मना रहे हैं और मेरे पास है देश की पहचान, इसका झंडा, पताका, और इसी से हम कुछ एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए एक एक को देते हैं और एक एक आज अपने पड़ोस वाले को पहनाएगा और देश के लिए वो क्या काम करे ये समझाएगा। चलिए चलते हैं। आज खाना बोल रहा है, कल गाना बोले, तू देश के लिए रोस्टिंग छोड़ देना। हाँ तो खाना छोड़ दे, तो खाना बिना खाए गाय कैसे? तू देश के लिए अच्छा बात कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूं, ये बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है ऑलरेडी, तो जो भी कुछ कर रहा है देश के लिए वो बहुत सही कर रहा है, ऐसे ही करते रहो, ठीक है? आपका एक वीडियो भी आया था जिसमें आप अपने सिटी के लिए वहाँ कुछ आगजनी हो गई थी, क्या हो गया था ओबम बताओगे? एक वीडियो आया था जिसमें आपके शहर में कुछ वो एक्चुअली जो हमारा वो मेरे सर्कल के अंदर आता है, हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इनकम करके एक जगह है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, फायर इंसिडेंट हो गया था जिसमें बहुत सारे घर जल गए थे। ऑलमोस्ट 56 to 70 के घर, शायद 56 ने घर जल गए, तो कितने सारे लोग बेघर हो गए थे। तो उसमें हमने ईटानगर पे, हमारे कैपिटल पे, हम लोगों ने मतलब सब डोनेशन लाए हुए, हमने करता था पहले से, कहीं भी चैरिटी करने का मौका मिले जाके मतलब परफॉर्म करता था डोनेशंस वगैरह के लिए। तो अच्छी चीज़, अगर वो चीज़ हम करेंगे, सारे लोग ऐसे करने लगेंगे, हम जैसे आर्टिस्ट ऐसे करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे हम देश के लिए इनडायरेक्टली कुछ कर रहे होंगे। तो बिल्कुल, और इससे क्या कहेंगे कि क्या करे देश के लिए? हाँ, उत्कर्ष तो बहुत अच्छा है इंसान और बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है, तो मैं चाहता हूँ कि एज ए म्यूजिशियन बड़े होकर बहुत अच्छे म्यूज़िक बनाए और जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है उसको पूरे ग्लोबल लेवल पे दुनिया में मशहूर कराए और ज़्यादा। ओके, नाउ यू हैव टू टाई हिम। ओके, मुझे बताइए ये देश के लिए क्या करे, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इनका अपना म्यूज़िक एकेडमी है जिसमें इन्होंने शो पे भी बताया है कि बहुत से लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एज है इनकी, जस्ट 25 years old, एंड इस एज पे इतनी बड़ी सोच होना, इतने लोगों को हेल्प करना बहुत बड़ी बात है। एंड मैं खुद इनसे बहुत सीख रही हूँ, और प्लस जो म्यूज़िक ये जैसा ही गाते हैं वो सबको बताएं। क्लासिकल म्यूज़िक को ये जिस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। एंड आगे चल के तो और भी, अब तो और फ्लरिश होने वाला है करियर, तो मुझे पता है कि ये इतने अच्छे इंसान तभी भी रहेंगे, और जितने स्टूडेंट्स जिनको हेल्प चाहिए हमेशा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प करेंगे। तो ये ऑलरेडी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा इनको कोशिश कर रहा हूँ, बस बहुत ज़्यादा बोल दिया। मेरी छोटी आद्या ने, तो ये मेरी छोटी सी बहन है, तो पहले तो इसको मैं दीपन को पहनाऊंगा, तो मैं इसको पहनाऊंगा। अरे क्या चाहते हो, क्या करे देश के लिए? दीपन के बारे में मैं क्या बोलूँ, एक तो ये लड़का बहुत ही अच्छा दिल का है। अभी जो हाल ही में जो एपिसोड आने वाला है उसमें आप सबको पता भी चलेगा कि इसका दिल और इसके जो फैमिली जो है उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, तो क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये? दीपन इतना अच्छा दिल का एक लड़का है, सच में बहुत ही साफ दिल का लड़का है। कोई किसी के बारे में इसके दिल में कोई ना कलेश है, कुछ भी है, तो ये ऐसा इंसान इतना अच्छा है, तो इसकी जो इंसानियत है, इसकी तरह की इंसानियत ये लेके पूरी ज़िंदगी चलेगा और इंडिया में क्या पूरी ग्लोबली नाम करेगा म्यूज़िक से, और ऐसा इंसान रह के बहुत लोगों की मदद करेगा और करता है। स्वीट। दीपन, आपको आद्या के पास जाना है, आद्या से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करे देश के लिए? सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि सबको पता है ये बात कि आद्या की जो वॉइस है वो एकदम अनोखा है, और मुझे लगता है कि वो आगे जाके जो भी गाना वो गाएगी वो सभी बहुत हिट होगा। तो मैं चाहूँगा कि वो देश के लिए और भी ऐसे गाने गाए जो सबको, मतलब देश के जितने भी लोग हैं सब उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो उसके गाने से, और उसकी आवाज़ से, तो यही मेरा मैं चाहूँगा वो करे अपनी ज़िंदगी में। संडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो भूल जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सूना